हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज नेट काकाजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में जिससे आपको सिफेलो कोऑर्डिनेटा जो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं उनका जो एग्जांपल है वो आप इजी वे के अंदर याद रख सकते हो लंबे समय तक। होता क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर सिफेलो कोऑर्डिनेटा का एक सिंगल एग्जांपल दिया हुआ बट उसके कॉमन नेम जो दिए हुए हैं उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि प्रोटो कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूरो कोऑर्डिनेटा जो आता है वहां जो है वो एग्जांपल लाई कर रहा होगा। तो उसको याद रखने का जो है बिल्कुल आसान तरीका जिससे आप कंफ्यूज ना हो, लाइक सबसे पहले आप लिख लें सिफेलो कोऑर्डिनेटा। क्या पढ़ रहे हैं आप? सिफेलो कोऑर्डिनेटा। और इसको याद रखने के, इसके एग्जांपल को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका जिसके अंदर आप लिखें सी आमला ब्रांच। आपने एक ट्रिक लिखी यहां पर सी आमला ब्रांच। सी आमला ब्रांच के अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर जो सीई है वो किसके लिए आया है, सिफेलो कोऑर्डिनेट, ताकि आप ट्रिक के अंदर कंफ्यूज ना हो। सेकंड नंबर एएम, एएम यहाँ पे डिनोट करता है एमपी ऑक्सिस को। किसको डिनोट करता है? एमपी ऑक्सिस, इसका जो मेंबर सिफेलो कोऑर्डिनेटा का। एल ए, एमपी ऑक्सिस को ही क्या बोला जाता है? लैंसलेट। क्या बोला जाता है? लैंसलेट। एमपी ऑक्सिस को ही क्या बोला जाता है? लैंसलेट। और थर्ड नंबर जो इसका नेम आपको मिलेगा, लाइक यहां पे ब्रांच जो है उसे बी आर ए आप उठाएं, ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा, ये तीनों ही जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? एम्फियोक्सिस, लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सिस और लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा। सिफेलो कोऑर्डिनेटा का एक सिंगल एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो क्या है? एम्फियोक्सिस। और उसी को लैंसलेट बोला जाता है, उसी को ब्रैंकियोस्टोमा बोला जाता है। यही है सिफेलो कोऑर्डिनेटा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, जब क्वेश्चन में चार ऑप्शन एक साथ सामने आते हैं तो वहां पे लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा जब लिखा होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जो है लैंसलेट यूरो कोऑर्डिनेटा से बिलोंग कर रहा होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रिक बनाई गई है और इसको आप इजी तरीके से याद रख सकते हो। लाइक सी आमला ब्रांच, आमला यहाँ पे मैं आमला से आप सोच सकते हो, आमला जो ट्री है, सी आमला ब्रांच। और लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हो, जब क्वेश्चन आएगा तो आप एक्यूरेसी के साथ बहुत कम समय में विदाउट एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।